में कांग्रेस की हमारी सरकार थी, उस सरकार से कह के 76 की कट ऑफ डेट को चेंज करके 80 तक करवाने का काम इस मुंबई में गरीब झोपड़पट्टी वासियों के लिए सुनील दत्त जी ने, स्वर्गीय सुनील दत्त जी ने किया था। आज प्रिया दत्त जी हमारे फिर से उम्मीदवार है इस क्षेत्र से। बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, लेकिन प्रिया जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पूरे उत्तर मध्य मुंबई में सबसे ज्यादा लोगों का प्यार अगर कहीं मिलेगा तो चांदीवली विधानसभा क्षेत्र से मिलेगा। सबसे भारी मतों से आप जीत के जब जाएंगी तो चांदीवली लोगों के उसमें हिस्सेदारी सबसे अहम होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आज हालात देश के आपको देखना होगा, माहौल देश का समझना होगा। हमारे सभी साथियों ने बहुत सारी बातें की है। आज महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, आज देश के संविधान को बचाने का मुद्दा है, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का मुद्दा है। हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की विचारधारा के साथ इस देश को बचाने की हमेशा से लड़ाई लड़ने का काम करते आए हैं। आप सारे लोगों ने हमेशा से मजबूती के साथ वो लड़ाई लड़ी है और एक लड़ाई अभी लड़ना है। ये लड़ाई इस लोकसभा चुनाव में हमें आप सबको लड़ना है मिलजुल कर, क्योंकि जो लोग देश की कुर्सी पर बैठे हैं, जो लोग देश की सत्ता में बैठे हुए हैं, ये लोग इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इस देश को पिछले 5 साल में धरातल में लाने का काम अगर किसी ने किया होगा तो बीजेपी के और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऐसी ताकत को इस देश से निकाल फेंकने का काम हम सबको मिलजुल कर आने वाले दिनों में करना होगा। मैं ज्यादा लंबा भाषण ना देते हुए, हम लोग रोज मिलते रहेंगे, जाकर चर्चाएं होते रहेंगी, बातें होते रहेंगी। मैं सिर्फ आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि 8 तारीख को प्रिया दत्त जी नॉमिनेशन करने जा रही है। 8 तारीख को सवेरे 10 बजे प्रिया दत्त जी बैंड्रा कलेक्टर कार्यालय में नॉमिनेशन फाइल करेंगे। एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के समर्थक भारी संख्या में कलेक्टर कार्यालय के पास आप सारे लोग बैठे, चाहे हमारे कांग्रेस के साथी हो, राष्ट्रवादी के साथी हो, चाहे आरपीआई अठोले गुट के हो, चाहे आरपीआई गवई गुट के हो, गवाड़े गुट के हो, सारे के सारे जितने भी हमारे गठबंधन में महाआघाड़ी में शामिल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सारे लोग भारी बहुमत से वहां पर पहुंचे और पहले ही हमें दिखा देना है विरोधी पक्ष के लोगों को कि हम 29 तारीख को भारी बहुमत से हमारी उम्मीदवार अगाड़ी की उम्मीदवार चुनकर जाएगी। ये आश्वस्त करने के लिए आप सारे लोग भारी संख्या में वहां पर उपस्थित हो। मैं फिर से अपने सभी, और दूसरी बात मैं आपको प्रिया जी और विनीत जी आपको बताना चाहता हूँ कि चांदीवली विधानसभा में हमारे 336 बूथ हमारे पूरे के पूरे हैं और 336 के 336 बूथ में 10-10 लोगों का जो बूथ लीडर हम लोगों ने बनाया है, हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि हमारे पास हमारे जितने साथी हैं सब अपने अपने इलाके के लीडर हैं। एक एक बूथ में 10-10 लीडर बनाने का काम हम सारे लोगों ने, हमारे सेवा दल से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट सारे के सारे लोगों ने रात दिन मेहनत करके एक फौज खड़ी करने का काम किया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में चुनाव में निश्चित तौर पर होगा। मैं अपने सभी उन बूथ के लीडरों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। भारी तादाद में यहाँ पर हमारी महिलाएं बहने आई हैं, मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ और आप सबको विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सारे लोग संगठन को मजबूत करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा मजबूती के साथ साथ रहते हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपल्यामध्ये मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि काँग्रेसचे उमेदवार मिलिंद देवराजी यांना पुढच्या सभेसाठी जायचंय, म्हणून पहिले ते आपल्या चांदोलीच्या कार्यकर्त्यांना आपले विचार व्यक्त करतील। धन्यवाद। मिलिंद देवराजी।